हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा दिल करता है केक खाने को, बारिश भी बहुत तेज़ थी, लेकिन हमने सोचा वैसे हम गाड़ी में जाएंगे तो चल जाते, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। 1 घंटे का रास्ता था लेकिन हम 2 घंटे में पहुंचे। कुछ रश भी बहुत ज़्यादा था और बारिश भी बहुत तेज़ थी और मुझे काफ़ी डर भी लगा था। वैसे तो हम इस वाले शॉप में जाते हैं केक लेने, लेकिन इस बार हमने दूसरी शॉप पे गए। यहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना कि मुझे कोई करोड़ रुपये भी दे दे कि ये चीज़ें ट्राई कर लो, मैं तो कभी नहीं ट्राई करने वाली। बस मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली। ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना, तोबा तोबा तोबा, मैं तो कभी ट्राई नहीं करने वाली। ना ही मुझे शौक है इनकी, इंडोनेशिया के लोगों की चीज़ें ट्राई करने की, और महंगा भी इतना देते हैं फॉरनर्स लोगों को। सो यहाँ पे फैन लगे हुए था और ये शायद ये भी पतीसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था। सब बोल रहे थे तो पता नहीं क्या, लेकिन हम तो ट्राई नहीं करने वाले, बिकॉज यहाँ के टेस्ट नहीं होते। मज़ेदार यहाँ पे मुझे एक चीज़ फ्री में मिल रही थी, मैंने 2 खा लिए, पता नहीं क्या था लेकिन मैंने खा लिया। थोड़ा सा मज़ेदार था, बस टेस्टी था। फिर मैंने जाके एक काउंटर पे दिया, मामा ने जो भी लिया था पसंद आया उनको। फिर मैंने जाके पैसे मामा को दे दिया और उसके बाद फिर हम ये एक्सपो मार्ट था या इंडो मार्ट था, इसमें आए। मामा ने मेरे भाई के लिए ये 3-4 मैगी ले ली, बिकॉज हम ट्राई करते थे, बिकॉज यहाँ की पता नहीं मैगी मज़ेदार होगी या नहीं, तो ले ली हमने 3-4। अगर मज़े की होती तो फिर हम और भी लेंगे, फिर मज़े की थी तो हम और भी लेने जाएंगे। और फिर यहाँ पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया और बस हमने सिर्फ एक और बिस्किट लिया और टिश्यूज़ वगैरह जो भी हमें चाहिए था, केक वगैरह हमने लिया। और फिर जब हम घर वापस आए तो ये एक स्ट्रॉबेरी है, नहीं सॉरी सॉरी, एक चॉकलेट है और एक बनाना केक है। सो ये मेरी और मेरी मम्मा का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा मिनी सब प्यारा सब लोग पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।